गुड इवनिंग एवरीबडी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है और जैसे कि आप लोगों ने आज सुबह 12 से अगर क्लास ली हो तो बहुत बढ़िया पहली बार सीधी ऑफलाइन क्लास आपको लाइव करवाई जा रही है अन एकेडमी के द्वारा जो इतना बड़ा कदम उठाया गया है मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आप इस सीरीज को न केवल अद्भुत रूप में सफल करेंगे बल्कि एक ऐसा मानक तय करेंगे कि जिससे लोग आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए विवश हो जाए मतलब लोगों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए कि हाँ यदि कि वास्तविक रूप में कोई व्यक्ति सीरियसली चीजें आप बच्चों तक पहुंचाना चाह रहा है तो बच्चे भी पूरी तरह से समर्थन करते हैं तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि गारंटी है कि आप उस सीरीज को बहुत बेहतर तरीके से शेयर कर रहे होंगे और उस सीरीज को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रखेंगे आज हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे पिछले सप्ताह के पूरे कंप्लीट करंट अफेयर पर वीकली करंट अफेयर के इस एपिसोड में हम देखेंगे उन सारी खबरों को जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि जितना करंट अफेयर अभी तक करवाया गया था या जितना करंट अफेयर हमने कंप्लीट किया है आपने देखा होगा कि मेंस में लगभग सारे सवाल जितने करंट अफेयर के थे वो पूरी तरह से आपको वीकली करंट अफेयर में मिलते हैं पूरी तरह से तो जो बच्चे बार बार ये सवाल पूछते थे क्या इसके अलावा भी कुछ करना होगा तो मुझे लगता है कि उन्हें एक जवाब मिल गया होगा कि यदि आप वीकली करंट अफेयर को पर्याप्त रूप से कर ले और यदि कोई एक मैगजीन साथ में रख दीजिए ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए तो इससे बियॉन्ड कुछ नहीं करना है आइए शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की यदि आप अपने तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ सबसे ज्यादा एजुकेटर की चॉइस और सबसे ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट है पिछले दो वर्षों का आपके पास अनलिमिटेड व्यू डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होता है लाइव मेंटरशिप का ऑप्शन होता है आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी टीम आपके पास है और इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑफर आया है कि यदि कोई भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा हो कॉम्बो का जीएस का ऑप्शनल का या ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन है कॉम्बो मतलब जीएस और ऑप्शनल दोनों एम के लाइव हमारा रिफर कोड है तो इस समय आपको बेहतरीन मौका दिया जा रहा है बारह महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको एक महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है अठारह महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको चार महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है दो साल और तीन साल के सब्सक्रिप्शन में एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री रहेगा एक्सटेंडेड रहेगा यदि आप मिनिमम शर्तों को फुलफिल करते हैं तेईस सितंबर तक ये ऑफर है तो एक साल के लिए एक महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री रहेगा मतलब एक साल प्लस एक तेरह महीने का सब्सक्रिप्शन ये बाईस महीनों का सब्सक्रिप्शन रहेगा अठारह महीनों पर चार महीने चौबीस महीने पर और छत्तीस महीनों पर एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री रहेगा और एम के लाइव रिफर कोड पर ऑफर अवेलेबल है साथ ही साथ इसके माध्यम से दस परसेंट का डिस्काउंट भी मिलेगा और हमारे साथ जुड़ने का मौका भी हमारा जो नया बैच आ रहा है वो दस अक्टूबर को आ रहा है और दस अक्टूबर के इस नए बैच में हम कवर करेंगे जीएस पेपर तीन जहां पूरे ट्वेंटी क्वेश्चन मेन्स के हम गारंटी लेते हैं कि हमारे कंटेन और अनकेडमी के नोट से बाहर नहीं जाएंगे संडे के दिन कॉम्बेक टेस्ट देते रहिए ताकि आप स्कॉलरशिप भी जीत सके बाकी एम के लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में मेन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज में थर्टी टेस्ट हैं सुपीरियर मॉडल आंसर है कस्टमाइज फीडबैक है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इंप्रूविंग योर परफॉर्मेंस और लाइव एनालिसिस सेशन भी है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप डेली मेंस आंसर राइटिंग का एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है और जीरो परसेंट इंटरेस्ट के साथ ई एम आई का ऑप्शन है डाउट दरपार में आप फ्री ऑफ कोर्स डाउट पूछ सकते हैं आइए देखते हैं कि इस बार खबरों में कौन सी खबरें रहेगी अगर हम बातचीत करें तो आई में हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा और भारत जीमेक्स 2022 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन ईंधन से ट्रेन चलाने वाला जापान विश्व का पहला देश हमने बस चलाई थी नीति आयोग का शून्य अभियान भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत में चीता पुनर्वास ऑपरेशन गियर बॉक्स और मादा पादक मादक पदार्थों की तस्करी क्षमा चाहूंगा मैं मादक पदार्थों की तस्करी सोशल जस्टिस ई बाल निदान पोर्टल इकोनॉमिक्स में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना खुदरा मुद्रा स्पीति औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात आंकड़े जारी कृतज्ञ 3.0 उत्तर भारत में धान की बुआई में कमी और मंथन कार्यक्रम लाइनर फैक्ट प्रीवियस ईयर मॉडल हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा और भारत देखो हिंद प्रशांत का मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जो कि मलक्का जल संधि से एक दूसरे से अलग होते हैं आप जानते हैं कि हिंद महासागर में भारत सबसे महत्वपूर्ण देश के रूप में है यहाँ पर हिंद महासागर और यहाँ प्रशांत महासागर है इस ओर प्रशांत महासागर आपको मिलेगा तो ये दोनों ही क्षेत्र भारत के व्यापारिक सा एक तरीके से मार्ग बनाते हैं यदि हमें अमेरिका के साथ जुड़ना हो यदि हमें दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका के साथ व्यापार करना हो समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करना हो तो हिंद प्रशांत यही दो आते हैं यूरोप के लिए भी हमें कहीं ना कहीं हिंद महासागर की स्वेज नहर से आगे बढ़ना होता है और मेडिटेरियन सी में हम पहुंचते हैं तो वास्तविक रूप में ये दोनों महासागर हमारे लिए सबसे ज्यादा व्यापारिक मार्ग का निर्माण करते हैं हाल ही में भारत और अमेरिका के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण और संभावनाओं पर विचार किया गया प्रशांत क्षेत्र के महत्व और संभावनाओं पर विचार किया गया बैठक के प्रमुख बिंदु इस बैठक में अमेरिका की ओर से भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के प्रति सहयोग की नीति का अनुसरण करने का आह्वान किया गया रिक्वेस्ट की गई है किंतु भारत द्वारा संभवतः पहली बार स्पष्ट रूप से क्षेत्र के संबंध में निष्पक्ष और तटस्थ नीति का अनुसरण करने की बात कही है भारत ने अमेरिका को आपूर्ति श्रृंखला मतलब सप्लाई चेन भ्रष्टाचार और स्वच्छ ऊर्जा के मुद्दे पर सहयोग करने का आश्वासन दिया है अन्य बिंदुओं पर परिस्थिति और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप आगे बढ़ने की बात भारत द्वारा कही गई देखना आप जानते हैं अमेरिका का जो नेचर है वो अपने लाभों और अपने हितों के लिए कुछ भी कर सकता है और कई बार अमेरिका के द्वारा इस नीति का अनुसरण किया जाता है वह केवल और केवल चीन की प्रतिस्पर्धा में भारत को महत्व देने में लगा है पर वह भारत को अभी भी उतना शक्तिशाली राष्ट्र नहीं मानता तो एक तरफा भारत को उसकी ओर झुकाव रखना भी खतरनाक होगा और भारत सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ मसलों में तो कहा कि हम आपको सहयोग करेंगे बाकी कुछ बिंदुओं पर कहा है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार हम आपके साथ सहयोग की बात करते हैं हिंद प्रशांत इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रत्याशता मतलब आसानी से चीजों को बदलना सौन्यता समावेशिता आर्थिक विकास निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है दूसरे शब्दों में हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख गंतव्य बनाना है हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे में भारत जापान ऑस्ट्रेलिया के अलावा दस आशियान देश दक्षिण कोरिया न्यूजीलैंड शामिल हैं। जो संयुक्त रूप से वैश्विक जीडीपी का 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक वर्क में ऑलरेडी भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा 10 आशियन कंट्रीज न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरियाई देश जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं अमेरिका जानता है कि जितना ज्यादा यहां भारत का सहयोग मिलेगा उतना ही चीन के साथ वह अपनी प्रतिस्पर्धा में अग्रण्यता प्राप्त कर पाएगा साथ ही साथ अमेरिका ये भी अच्छी तरह से जानता है कि चीन भारत का प्रतिद्वंदी है या प्रतिस्पर्धी है तो भारत भी चीन के खिलाफ है कहने का अभिप्राय है कि दोनों के कॉमन कॉम्पिटिटर के कारण अमेरिका को ये लगता है कि भारत उसका हर क्षेत्र में सहयोग करना चाहेगा क्योंकि उसे चीन को कंपटीशन देना है लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा ही स्वतंत्र विदेश नीति रही है जो किसी एक राष्ट्र के प्रभाव को कभी स्वीकार नहीं करती है और इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे जगह पर बहुराष्ट्रीय विकल्प चुनने चाहिए क्योंकि जहां पर मल्टी नेशन हो जाते हैं वहां पर किसी भी प्रकार के बायसनेस का कोई सवाल ही नहीं होता है हिंद प्रशांत क्षेत्र अगर हम बात करें तो इंडियन ओशियन ये नॉर्थ पेसिफिक और साउथ पेसिफिक ओशियन ये पूरा का पूरा क्षेत्र इंडो पेसिफिक ओशियन के नाम से जाना जाता है इंडो पेसिफिक ओशियन और बहुत बड़ा क्षेत्र है ये वास्तविक रूप में आप अगर देखेंगे तो अधिकतर अमेरिका दक्षिण अमेरिका भारत ऑस्ट्रेलिया ये उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका भारत ऑस्ट्रेलिया इन सभी के व्यापार का मुख्य मार्ग यही है अटलांटिक मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका के बीच में व्यापार का केंद्र है लेकिन जब भी भारत को या एशिया के किसी भी राष्ट्र को अमेरिका के साथ व्यापार करना है तो वो इस मार्ग से लंबा जाता है और इस मार्ग से शॉर्ट मतलब एक तरीके से लघु मार्ग होता है इसलिए हमारे समुद्री व्यापार उत्तर और दक्षिण अमेरिका से हिंद महासागर होते हुए प्रशांत महासागर के माध्यम से पहुंचते हैं हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर समुद्र का जो हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं इस क्षेत्र के देशों को हिंद प्रशांत देशों की संज्ञा दी जाती है हिंद प्रशांत क्षेत्र का आखिर महत्व क्यों है भाई तो जरा देखना सबसे पहले तो यहां पर भौगोलिक स्थिति अधिकतर देश बिल्कुल मार्ग के बीच में ही रहते हैं पूरे वर्ल्ड के व्यापार का 75 परसेंट यही से होता है यहाँ के बंदरगाह विश्व के सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में माने जाते हैं और दो तिहाई जनसंख्या इस क्षेत्र में रहती है लगभग विश्व का पैतालीस परसेंट एरिया है ये रणनीतिक रूप से मलक का जल संधि है प्राकृतिक संसाधनों से बहुत भरपूर है सामरिक ऊर्जा व्यापार मतलब सुरक्षा के नजरिए से एनर्जी और ट्रेड के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है लेकिन चैलेंजेस क्या है तो सबसे बड़ा चैलेंज है चीन की साम्राज्य विस्तार नीति चीन की साम्राज्य विस्तार नीति अमेरिका की बढ़ती महत्वाकांक्षा क्षेत्रीय संतुलन और अशांति यहां पर कुछ देश बहुत संपन्न हैं, तो कुछ देश बहुत ही गरीब हैं, कुछ जगह पर तो शांति ही स्थापित नहीं हो पाई है भारत के प्रयास हिंद प्रशांत क्षेत्र सदैव भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा ऑब्वियसली हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत के दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की हिंद प्रशांत हिंद क्षेत्र में सबसे ज्यादा डोमिनेंसी है और हम चाहते हैं कि इसका उपयोग हम प्रशांत और अटलांटिक महासागर में अपने लाभों के लिए करें कूटनीति के विशेषज्ञ इसका सबसे प्रमुख कारण इस क्षेत्र में होने वाले समुद्री व्यापार को मानते हैं अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने के लिए भारत अमेरिका आशियान जापान कोरिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ कई नौसैनिक अभ्यासों में भी सम्मिलित होता है आपको याद होगा क्वाड क्वाड इसी के लिए बनाया गया था ताकि हिंद और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में इन देशों का संगठन यहां पर न केवल सुरक्षा बल्कि एक ऐसा रणनीतिक संगठन बनेगा कि हम चीन को कहीं ना कहीं संतुलित कर सके इस क्षेत्र के विशेष महत्व को मद्देनजर रखते हुए भारत ने 2019 में विदेश मंत्रालय में एक इंडो पैसिफिक विंग की स्थापना भी की भारत के कई विशेष साझेदार जैसे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान इंडोनेशिया आदि में हिंद प्रशांत क्षेत्र को एशिया प्लस इंडिया के रूप में देखते हैं इस प्रकार की नीति का मुख्य उद्देश्य दक्षिण चीन सागर पूर्वी चीन सागर में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करना है हालांकि क्षेत्र के प्रति भारत की नीति अधिक से अधिक शांति पर बल देती है भारत की नीति में इसको मुक्त और मुक्त खुले और समावेशी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया भारत अफ्रीका के तट से लेकर अमेरिका के तट तक के क्षेत्र को हिंद प्रशांत क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है मतलब अफ्रीका से लेकर अमेरिका भारत इस क्षेत्र में किसी एक देश का आधिपत्य नहीं चाहता जिसके कारण वह भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया जैसे त्रिपक्षीय समूह के माध्यम से संतुलन स्थापित करता है भारत को क्या करना चाहिए भारत को विभिन्न चुनौतियों के बावजूद चीन के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन बेहतर करना चाहिए ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में यथासंभव शांति सुनिश्चित हो सके भारत को इस समय आसियान केंद्रित विकास एजेंडे और क्वाड केंद्रित सुरक्षा एजेंडे के बीच विकल्प बनाने की जरूरत नहीं है आवश्यक है कि दोनों को चलने दे विगत कुछ वर्षों में हिंद प्रशांत के संदर्भ में विश्व के अनेक देशों की सक्रियता बढ़ी है हिंद प्रशांत के केंद्र में रहते हुए भारत मानवीय सहायता आपदा प्रबंधन समुद्र निगरानी और क्षेत्र के कमजोर देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी साझा पहलों की शुरुआत कर वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की कई अन्य देशों के साथ मजबूत साझेदारी है ऐसे में भारत द्वारा समान विचारधारा वाले अन्य देशों को इस समूह में शामिल करने की पहल की जानी चाहिए आज़ादी के बाद से ही भारतीय रक्षा नीति पूरी तरह थल शक्ति पर केंद्रित रही पर इसका बहुत बड़ा लाभ नहीं मिला ऐसे समय में ऐसे में यही सही समय है जब भारत को अपनी नौसैनिक शक्ति के विस्तार पर विचार करना चाहिए भारत में भारत वर्तमान में भारत के पास संसाधन राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक बढ़त का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है ऐसे में वैश्विक व्यवस्था में बदलाव के लिए उसे आगे बढ़कर सामने आना चाहिए देखो कहने का अभिप्राय यही है कि हिंद प्रशांत महासागर के माध्यम से भारत को कहीं ना कहीं अपनी वैश्विक भूमिका को बेहतर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस क्षेत्र में अपनी दावेदारी अपनी मजबूत स्थिति से पूरे विश्व पर अपना प्रभाव स्थापित कर सके पर उसे यहाँ पर चीन के साथ एक समन्वय की नीति रखनी चाहिए अमेरिका के बहकावे में नहीं आना चाहिए और मल्टीनेशनल मतलब बहुराष्ट्रीय प्रकार से ही संगठन बनाने चाहिए द्विपक्षीय संगठन से ज्यादा लाभ बहुपक्षीय संगठन का होगा इसलिए बहुपक्षीय संगठन यहां ज्यादा प्रभावशाली होंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भू राजनीतिक भूमिका के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है स्पष्ट कीजिए मतलब क्या महत्व इस क्षेत्र का हिंद प्रचार क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की क्षमता की व्यवहारिकता की कसोटी है व्याख्या कीजिए अगली खबर है जिमेक्स 2022 हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास का छठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में प्रारंभ हुआ इसका आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है यह संस्करण जिमेक्स की दसवीं वर्षगांठ का प्रतीक है 2012 में जापान ने इसे शुरू किया था जिमेक्स 22 सतह उप सतह वायु क्षेत्र में जटिल अभ्यासों के माध्यम से दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच अंत क्रियाशीलता को मजबूत करने का प्रयास है एक चीज मुझे बताइएगा मैं जरा चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स करें जापान की सुरक्षा का दायित्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एग्रीमेंट के तहत अमेरिका ने लिया फिर ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं जापान के नौ सेना के साथ ये कैसे क्या हो रहा है क्योंकि अगर अमेरिका के एग्रीमेंट की बात करें तो उसने कहा था कि आप सेना नहीं रख सकते तो फिर ये जापान के कौन से सैनिक है जरा कमेंट्स करके बताएं मैं देखूं कितने लोग सच में थोड़ा चीजें भी जानते हैं इसका पीडीएफ भी साथ ही साथ मिलता रहता है पहले तो समुराय थे बिल्कुल बीपीएससी भी करवा लेते हैं नहीं यह यूएसए के सैनिक नहीं है एक्चुअल में पहले तो ऐसी बातें हुई लेकिन जैसे जैसे चीन का वर्चस्व बढ़ने लगा तो इतिहास गवाह है कि जापान और चीन के सैनिकों के जब युद्ध हुए हैं तो दो बार जापान ने चीन को हराया है तो अमेरिका ने क्या किया कि जापान को अपने नौ सैनिक रखने की अनुमति दी मतलब अब जापान में नौसेना बन गई है और यह अमेरिका ने क्यों ऐसा किया होगा क्या चाल होगी अमेरिका की इसके पीछे वो जानता है कि जब भी चीन के साथ युद्ध होगा तो जापान का सहयोग तो उसे हमेशा ही मिलेगा हाइड्रोजन ईंधन से ट्रेन चलाने वाला जापान विश्व का पहला देश हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली पूरी तरह हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का बेड़ा लॉन्च किया यह ट्रेन उत्सर्जन मुक्त तथा 140 किलोमीटर पहले तो मैं जानना चाहूंगा हमारे टीम ने क्या अद्भुत किया है ये जापान है जर्मनी नहीं है अद्भुत है हम इसके पहले भारत के हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चर्चा कर चुके हैं और हाइड्रोजन सेल पर आया हुआ फ्यूल सेल का सवाल भी हम हल कर चुके हैं हाइड्रोजन ईंधन सेल का एक बाई प्रोडक्ट क्या होता है एग्जॉस्ट क्या होता है तो हाइड्रोजन जब भी जलता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर तो वहां बनाता है H2O लक्ष्मण का एक सवाल है वो लाल कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति भाग लेता है क्या तो याद रखिएगा कि संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति किसी जगह से निर्वाचित नहीं होते तो वो भाग नहीं लेंगे अद्भुत सवाल है नीति आयोग ने शून्य अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए एक समारोह का आयोजन किया क्या है शून्य अभियान इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से एक उपभोक्ता जागरूकता अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करना है तो नीति आयोग का शून्य अभियान इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से है भारत में इस अभियान का शुभारंभ पारंपरिक वाहनों के स्थान पर विद्युत चलित वाहनों के उपयोग को मोटिवेट करने के लिए है जिससे सीओ टू एमिशन कम होगा और पर्यावरण का संरक्षण होगा पारंपरिक वाहनों की तुलना में विद्युत चलित वाहन 60 परसेंट तक कम सीओ टू का उत्सर्जन करते हैं और इनकी परिचालन लागत भी 75 परसेंट कम होती है भारत में ई वाहनों की जरूरत की है क्योंकि प्रदूषण का बढ़ता लेवल पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करना 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन तक कम करना भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक नए वाहनों की बिक्री में ई वाहनों की हिस्सेदारी को वर्तमान के दो परसेंट से बढ़ाकर तीस परसेंट करना 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करना हमने टारगेट रखा है कि 2070 तक हमारे देश में कोई सीओ टू उत्पादन नहीं होगा मतलब जितना उत्पादन होता है वो उतना ही होगा जितना कि हमारे भारत के पेड़ पौधे उसे कंज्यूम कर लेंगे ई वाहनों के समक्ष सभी चैलेंजेस है एक तो हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है ई वाहनों के प्रति लोगों में मोटिवेशन नहीं है सर्विस स्टेशन और बैटरी चार्ज करने की दिक्कत है उद्योगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं और सरकारी निवेश और प्रोत्साहन की कमी है क्या किया जा सकता है पहला तो ई वाहन खरीदने पर ऋण सस्ता किया जा सकता है सरकार इन ई वाहनों पर सब्सिडी दे सकती है ई वाहनों को रोड टैक्स पार्किंग शुल्क जैसे करों में भी छूट दी जा सकती है ई वाहनों के माध्यम से दोहरे उद्देश्यों को सार्थक किया जा सकता है बिल्कुल पहला उद्देश्य तो हमारे पेट्रोल डीजल की डिमांड कम हो जाएगी और दूसरा पर्यावरण बशर्ती सेतु आधार से शीर्ष की ओर जाने की रणनीति का अनुसरण करना होगा मतलब जमीनी स्तर पर काम करना होगा हाल ही में चर्चा में रहा शून्य अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है तो शून्य अभियान का संबंध है ई वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों से भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा मंत्रालय आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में भारत का पहला इर, लिथियम सेल स्थापित करने जा रहा है कौन सा मंत्रालय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस अत्याधुनिक संयंत्र की स्थापना जो चेन्नई में स्थित है मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड के माध्यम से होगी मतलब ये जो कंपनी चेन्नई की है यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इसकी स्थापना करेंगे कंपनी का नाम है मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड यह संयंत्र 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस शहर में स्थापित दो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण समूह में से एक में स्थित है वर्तमान में संयंत्र की स्थापित क्षमता 270 मेगावाट प्रति घंटा की है यह 10 एमपियर प्रति घंटा की क्षमता वाली 20,000 सेल का उत्पादन मतलब एक बैटरी बनाने का काम करती है यह बैटरी इस सेल का उपयोग पावर बैंक में किया जाता है यह क्षमता भारत की वर्तमान जरूरत को लगभग 60 परसेंट अभी भी हमें बैटरिया बाहर से मंगानी पड़ती है उल्लेखनीय कि वर्तमान में भारत लिथियम आयन सेल की अपनी कुल जरूरत की पूर्ति चीन दक्षिण कोरिया वियतनाम और हांगकॉन्ग से आयात करता है संयंत्र में मोबाइल फोन सुनने योग्य और पहनने योग्य उपकरण जैसे अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामानों के सेलों का उत्पादन भी किया जाएगा इससे आयात में कमी आने की संभावना है लिथियम इज ए सॉफ्ट सिल्वर व्हाइट मेटल दैट बिलोंग टू द दलकाइली मेटल ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट बहुत ज़्यादा क्रियाशील है बहुत हल्की धातु होती है बहुत ही कम घनत्व होता है बट इसकी उष्मा क्षमता काफी अच्छी होती है देखो कुछ नहीं है पूरी खबर में ये जो लिथियम वाली बैटरीज हैं ये हम अभी तक विदेशों से आयात कर रहे थे अब लक्ष्य यही है कि हमें इन बैटरियों को अपने ही देश में बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना है ऑपरेशन गियर बॉक्स और मादक पदार्थों की तस्करी हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा विदेशों से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स की शुरुआत की गई ऑपरेशन का प्रमुख उद्देश्य खुफिया तरीके से विदेशों से भारत में आने वाले मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना है अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में विभिन्न कानूनों के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के लगभग साठ हजार मामले दर्ज किए गए भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रिसेंट के मध्य में स्थित है ये शब्द थोड़ा सुन लीजिए हमारे साथ बड़ी दुविधा है हम लोग तो बदमाश है नहीं हम लोग तो खराब है नहीं हम लोग तो मादक पदार्थों का उत्पादन करते नहीं है लेकिन हम ऐसी जगह फंस गए हैं कि इधर है गोल्डन क्रिसेंट इधर है गोल्डन क्रिसेंट और इधर है गोल्डन ट्राइंगल और हम लोग इनके रास्ते में हैं तो ये बड़ी मात्रा में यहां पर मादक पदार्थ भारत से होकर गुजरते हैं गोल्डन क्रिसेंट में आता है ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान इसे कहते हैं क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल में आते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार म्यांमार फिर उसके बाद जो उसके पड़ोस वाला देश है आ, तो वहां देख लीजिएगा तीनों देश मुझे अभी याद नहीं आ रहे प्लीज म्यांमार के साथ साथ एक पड़ोस में और देश है तो गोल्डन ट्राइंगल और तकलीफ ये है कि यहां उत्पादन होता है और यही से पूरे विश्व में ट्रांसपोर्ट होता है और हमारे देश में इसका पूरा प्रतिबंध है तो इस कारण से हमारे देश से यह गुजरते हैं यह गोल्डन ट्रायंगल है म्यांमार मतलब बर्मा थाईलैंड और खास करके अगर हम बातचीत करें तो लाओस वियतनाम भी इसमें जोड़ दिया जाता है म्यांमार लाओस थाईलैंड और वियतनाम चार देश है गोल्डन ट्रायंगल में गोल्डन ट्रायंगल वह क्षेत्र है जहां थाईलैंड लाओस म्यांमार की सीमाएं मेकोंग नदी के संगम पर मिलती है इसका नाम का पहली बार प्रयोग सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सी के एजेंट द्वारा प्रयोग होना शुरू हुआ जब यह क्षेत्र दुनिया भर में सबसे बड़ा ड्रग व्यापार का क्षेत्र बन चुका था इन उत्तर पूर्वी म्यांमार उत्तरी थाईलैंड उत्तरी लाओस उत्तर पूर्वी वियतनाम के दुर्गम पहाड़ियों के कारण ड्रग धंधों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलता है पेपावर सोमनी फेरस पेपावर सोमनी स्वामी मतलब अफीम का नाम है वो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं अंततः हीरोइन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है इस क्षेत्र से ये सभी ड्रग दक्षिण चीन और हांगकांग में प्रवेश करते और फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में फैलते हैं भारत और म्यांमार के बीच सीमा से सटे इलाके अधिकतर उबड़ खाबड़ और ऊंचे पहाड़ घने जंगल वाले हैं इस वजह से इस क्षेत्र में ड्रग तस्करी का काम होता है और इन पर लगाम लगाना कठिन है गोल्डन ट्रायंगल के कारण अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से प्रभावित होने वाला भारत एकमात्र देश नहीं है चीन थाईलैंड म्यांमार बांग्लादेश इन सब के चपेट में है इसके चपेट में है और इन्हें एक साथ आने की जरूरत है ताकि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया जाए क्योंकि मादक पदार्थों की तस्करी अवैध हथियारों की तस्करी मानव तस्करी के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि प्रत्येक गतिविधि में लगे धन का प्रयोग दूसरी गतिविधियों को संपादित करने के लिए किया जाता है साथ ही इस प्रकार की सभी अवैध गतिविधियां एक ही मार्ग से होती है और इन्हें प्रभावित होने वाले देश और क्षेत्र भी एक ही है भारत द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए भारत सरकार ने समस्या के समाधान के लिए कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रवर्तन और समन्वय गतिविधियों को मजबूत करने के लिए कई पहल की है केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा अधिक सामंजस्यपूर्ण और समन्वित कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए काम किया जा रहा है भारत ने ड्रग मुक्त भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सभी प्रकार के नशीले पदार्थ और नशीले नशीले पदार्थ और अन्य पदार्थों के लिए प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है नशे के प्रति केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा अधिक सामंजस्यपूर्ण और समन्वित कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए काम किया जा रहा है भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर पिछले वर्ष में बांग्लादेश श्रीलंका इंडोनेशिया म्यांमार सिंगापुर इन देशों के साथ मादक पदार्थों की तस्करी के मुद्दे पर चर्चा भी की है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हमारे देश में एन फेमस है इसके लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना स्वपक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के द्वारा 1986 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत है इसका मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी पर लोक लगाना देश के सीमांत क्षेत्रों पर नजर रखना ताकि विदेशी तस्करों की गतिविधियों को सीमा पर नियंत्रित किया जाए यह मादक पदार्थ प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करता है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अधिनियम 1985 नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक साइको पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 पर आधारित है जो राज्य को ड्रग्स के अलावा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं के अलावा उपभोग के निषेध के बारे में प्रयास करने का निर्देश देता है मतलब यह दवाइयां आप डॉक्टर की देखरेख में उपयोग कर सकते हैं लेकिन इसके बाद किसी भी तरीके से आप इसका उपयोग नहीं करेंगे नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम उन्नीस मादक पदार्थों के अवैध यातायात और उसके उपयोग की गई संपत्ति के लिए मतलब जितनी संपत्ति से कमाई जाती है ना उसको भी कब्जे में करने का अधिकार है अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्ति और कार्यों का उपयोग करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है

दो दिनों से यही खबर चल रही है बस इतनी सी बात याद रखना नामी से लाए गए हैं मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में और याद रखिएगा कि यह दुनिया की पहली चीता रिहेबिटलेशन प्रोजेक्ट है इसके तहत आठ चीते भारत लाए गए हैं और याद ये भी रखिएगा कि भारत में चीते पहले मिलते थे लेकिन अब भारत में पिछले 60-70 वर्षों से विलुप्त हो गए थे यह भी कैट फैमिली में सबसे बड़ी कैट मानी जाती है साइज के मामले में सबसे बड़ी कैट मानी जाती है हाल ही में नामीबिया से आठ अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ट्रांसफर किया गया पांच मादा तीन नर चीते हैं आयु चार से छह वर्ष के बीच की हैं यह कार्य 90 करोड़ रुपए की लागत से संचालित चीता परिचय परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है भारत सरकार की योजना इस वर्ष बीस चीते नामीबिया से आठ और दक्षिण अफ्रीका से बारह को अफ्रीका से भारत स्थानांतरित करने की है हालांकि दक्षिण अफ्रीका सरकार की अनुमति अभी लंबित है इसे विश्व के साथ साथ भारत में किसी भी बड़े मांसाहार जीव का पहला अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण माना जा रहा है हालांकि स्वतंत्र भारत में विशेष रूप से चिड़ियाघर के लिए चीतों को कम संख्या में भारत लाया जाता रहा है एशियाई चीते वास्तविक रूप में विलुप्त हो चुके हैं एसिनोनिक्स जुबेटस त्वचा थोड़ी भूरी सुनहरी एशियाई प्रजाति की तुलना में चेहरे पर अधिक धब्बे और रेखा है अफ्रीकाई प्रजाति की तुलना में आयुसीएन की रेड लिस्ट में वर्नरेबर है साइट सूची में परिशिष्ट वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत हमारे देश में परिशिष्ट दो में है अफ्रीकी चीतों को आप देख सकते हैं थोड़ी सी लंबाई काफी ज्यादा होती है आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है एसिनोसिक जुबेटस वेनिटिकस अफ्रीकी चीते की तुलना में एशियाई चीते की तुलना में बड़ा छोटे सिर लंबी गर्दन लाल आंखें बिल्ली के समान केवल ईरान में पाए जाते हैं ये नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका में ये एशियाई शेरों के बारे में लिखा है उन्नीस में आधिकारिक तौर पर भारत से चीता विलुप्त तो हो चुका था अति संकटग्रस्त वन्य जीव संरक्षण उन्नीस सौ के तहत संरक्षण है हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से एक स्थल पर स्थानांतरित किया जाने का प्रस्ताव था ऐसा सवाल यूपीएससी ने पूछा था और आप जानते हैं कि वह कुछ नहीं मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर वन्य जीव पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में था हो सकता है यही सवाल आ जाए चीतों की जगह मतलब लॉयन की जगह चीता आ जाएगा फिर है ई बाल निदान पोर्टल हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को ई बाल निदान पोर्टल तक पहुंच प्रदान करने का निर्णय लिया है यह निर्णय राष्ट्रीय और राज्य बाल आयोग के समन्वित कामकाज और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के लिए सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है मतलब एक तरीके से डिजिटल पहुंच बनाने की कोशिश है इसके माध्यम से राज्य आयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को देख सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं शिकायतों के समाधान के लिए राज्य आयोग को शिकायत ट्रांसफर करने तथा संयुक्त जांच का भी विकल्प दिया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जैसे हमारे देश में एस सी एस टी आयोग हैं ओबीसी आयोग हैं वैसे ही अल्पसंख्यक आयोग हैं महिला आयोग है बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 तक इसे वैधानिक निकाय की स्थापना हुई थी मतलब कानून बन गया था फाइनली 2007 में सामने आया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है इसकी मिनिस्ट्री वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य बाल अधिकारों और देशों में अन्य संबंधित मामलों में बचाव की दिशा में कार्य करना है फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को जारी किए हुए दो वर्ष पूरे हुए हैं इस योजना को कोविड 19 महामारी के दौरान घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत दो हजार में प्रारंभ किया गया था पांच वर्ष की अवधि के लिए पूरे भारत में लागू है इसका मुख्य उद्देश्य है मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार प्रदर्शन और रूपांतरण योजना का उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है इस योजना में मछली पालन है तो ऋण और आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने से लेकर कोल्ड स्टोर बिक्री केंद्रों की स्थापना तक के समस्त बिंदु सम्मिलित हैं भारत में मत्स्य पालन वर्ष 2021 के अंत में मत्स्य पालन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश चीन है पर झींगा मछली में हम लोग सबसे नंबर वन पर आते हैं भारत का मत्स्य पालन का योगदान वैश्विक उत्पादन में सेवन पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट है और देश के कुल जीवीए में वन पॉइंट टू परसेंट कृषि क्षेत्र में सेवन पॉइंट टू एट परसेंट का अधिक योगदान है ये नोट कर लेना क्योंकि मत्स्य से जुड़े हुए आंकड़े कभी भी इससे जुड़े हुए प्रश्न में आप शामिल कर सकते हैं मत्स्य पालन क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 280 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है 280 का मतलब 2.8 करोड़ लोग पिछले कुछ वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में वार्षिक औसत वृद्धि दर रही है फिर है फिर रिटेल इन्फ्लेशन हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 में हमारे देश में रिटेल इन्फ्लेशन सेवन परसेंट रहा एनएसओ के अनुसार मुद्रा स्पीति में वृद्धि काफी हद तक अनाज दाल दूध फल और उच्च मुद्रा मुद्रास्पीति के साथ खाद्य क्षेत्र में व्यापक आधार वाली वृद्धि से प्रेरित है मतलब मेनली मुद्रा मुद्रास्पीति खाद्यान्न की कीमतों के कारण है अनाज की कीमतें जुलाई में 6.9 परसेंट से बढ़कर अगस्त में 9.6 परसेंट हो गई शहरी मुद्रा मुद्रास्पीति की तुलना में ग्रामीण मुद्रा मुद्रास्पीति में ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है मतलब शहर की तुलना में गांव में महंगाई तेजी से बढ़ रही है अनसर्टेन मानसून के कारण खरीफ फसल की बुआई के पिछले वर्ष के उत्पादन के स्तर से कम उत्पादन होने की संभावना है इसलिए निकट भविष्य में खाद्य मुद्रा मुद्रास्पीति समस्या बनी रह सकती है मुद्रास्पीति में वृद्धि प्रतिकूल आधार प्रभाव और खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि दोनों के कारण है खाद्य और ईंधन को छोड़ दी जाए तो हेडलाइन मुद्रास्पीति पांच दशमलव नौ परसेंट थी जो लगातार चौथे महीने छत की सहिष्णुता सीमा से नीचे बनी हुई है खाद्य और ईंधन को छोड़कर जब इन्फ्लेशन निकाला जाता है तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं मुद्रा स्पीति के अन्य कारण है वैश्विक रूप से मुद्रा स्पीति बनी हुई है भारतीय मुद्रा की कमजोर स्थिति रुपए डॉलर के मुकाबले मुद्रा आपूर्ति का बढ़ना मुद्रा स्पीति कहलाता है या वस्तु और सेवाओं के मूल्य का बढ़ना मतलब या तो बाजार में करेंसी ज्यादा पहुंच जाए या वस्तु सेवाओं की कीमतें मांग प्रेरित आपूर्ति प्रेरित या कई बार मजदूरी बढ़ जाती है कोस्ट बढ़ जाती है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 हज़ार इक्कीस में कहा गया है कि भारत जैसे देश के लिए इन्फ्लेशन एक वैश्विक मुद्दे के रूप में पुनः प्रकट हुई भारत का आयातित मुद्रा स्पीति से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि विश्व में चीजें महंगी हो रही है तो उसका प्रभाव भारत में भी देखा जाता है इसे आयातित मतलब बाहर से लाई गई महंगाई है आर्थिक सर्वे में भारत सरकार को आयातित महंगाई को लेकर सतर्क किया गया है सरकार को कई वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने के लिए भी आग्रह किया ताकि महंगाई पर नियंत्रण मिल सके उल्लेखनीय है कि मार्च 2021 में रिजर्व बैंक ने कहा था कि मौजूदा मुद्रा स्पीति लक्ष्य बैंड फोर परसेंट प्लस माइनस दो अगले पांच वर्ष के लिए उपयुक्त है मतलब हमारे देश में मुद्रा स्पीति दो से छ के बीच में रहनी चाहिए फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट केंद्रीय बैंकिंग की के एक नीति है जो मुद्रा स्पीति के एक निर्दिष्ट वार्षिक दर प्राप्त करने हेतु मौद्रिक नीति के संयोजन पर आधारित है और इसी के तहत हमने दो से छ का टारगेट रखा है कठोर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को तब अपनाया जाता है जब केंद्रीय बैंक केवल किसी दिए गए मुद्रास्फीति लक्ष्य के आसपास मुद्रा स्पीति को रखना चाहता है देखो पहले क्या होता था कि मुद्रास्फीति का ऐसा दायरा नहीं दिया जाता था कि दो से छह परसेंट बल्कि पहले क्या होता था फिक्स कर दिया जाता था कि हमारे देश में महंगाई सात से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर आप जानते हैं कि किसी एक फिक्स चीज को अचीव करना इकोनॉमिक्स में बहुत कठिन होता है तो 2016 में आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल नीति अपना ली कि हम एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक दायरा तय कर लेते जैसे दो से परसेंट का दायरा तय कर लिया पुराने जमाने में यह कठोर मोद्री नीति का लक्ष्य होता था वही लचीला अब बेटर है जिसके कारण एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है फिर है निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ती मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं है लेनदारों से देनदारों को धन का पुनर्वितरण उधार देने वाली संस्थाएं अधिक उधार देने का दबाव महसूस करती हैं अर्थव्यवस्था की मुद्रा का अधिमूल्यन होता है मतलब उसकी कीमत बढ़ती है उपरोक्त सभी तो हम कहेंगे कि पहली बात तो अधिमूल्यन जबकि मुद्रा का अवमूल्यन होता है कीमत मुद्रा करेंसी की गिर जाती हैं। भारत में मुद्रा मुद्रास्पीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचका मुद्रा मुद्रास्पीति दर के संदर्भ में निम्नलिखित गों पर विचार कीजिए मुद्रास्पीति दर को मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है मूल्य सूचकांक किसी एक विशेष वस्तु के वास्तविक मूल्य का पता चल जाता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसे शॉर्ट में आई आई पी कहा जाता है हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जुलाई महीने का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया गया औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जुलाई 2022 में चार महीने के निचले स्तर 2.4 प्रतिशत पर आ गया है जबकि वो 2011 में 11.5 प्रतिशत था देखो अगर इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लेशन है वो कम है तो ये मानते हैं कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग की चीजें कम होगी मैन्युफैक्चरिंग की कीमतें कम होगी लेकिन उससे एक डर भी पैदा होता है कि विनिर्माण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ सकती है क्योंकि जब लाभ ही नहीं होगा तो विनिर्माण का विस्तार नहीं होगा खनन क्षेत्र का उत्पादन जुलाई 2022 में तीन दशमलव तीन प्रतिशत घटा है गैर टिकाऊ वस्तुओं में दो प्रतिशत की गिरावट आई है ये सब महंगाई मतलब कीमतों में कमी आई है कोयले के उत्पादन में दो अंकों की वृद्धि हुई लेकिन जुलाई 2022 में खनन उत्पादन में तीव्र संकुचना प्रत्याशित था क्योंकि इस महीने के दौरान बारिश ज्यादा हुई तो कोयले की खदानों पर काम नहीं हो पाया आपूर्ति में व्यवधान कमजोर वैश्विक विकास दृष्टिकोण भी औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करता है सूचकांक के अनुसार अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर कोरोना महामारी के प्रभाव से उभर रहे हैं किंतु कोरोना पूर्व स्थिति प्राप्त होने में अभी टाइम लगेगा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय तीन महीने पर लाता है उद्योगों पर नीतियां बनाने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा यूज होता है इसका आधार वर्ष 2011-12 है मतलब 11-12 के कंपैरिजन में यह कीमतों को चेक करता है वस्तुओं की संख्या वर्तमान में 407 आइटम लिए गए इसमें ताकि उन 407 का एक एवरेज निकाला जाए कि कितनी महंगाई है प्राथमिक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं अवसंरचनात्मक वस्तुएं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएँ कुल हम देखेंगे तो 407 वस्तुएं यहाँ पर यूज की जाती हैं इसमें भी कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं आठ इंडस्ट्रीज है जो लगभग सैतीस परसेंट भारांश रखते उन्हें कहते आठ कोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स बिजली कच्चा तेल कोयला सीमेंट स्टील रिफाइनरी उत्पाद प्राकृतिक गैस उर्वरक ऐसे आठ मुख्य उद्योग हैं जिनका भारांश औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में चालीस परसेंट है मतलब चार सौ सात आइटम में केवल इन आठ आइटम का ही वेटेज चालीस है तो इनका इंडेक्स अलग से निकाला जाता है आठ कोर आईआईपी को प्रतिमा केंद्रीय सांख्यिकी के और कार्यक्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्य कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है 2011-12 का आधार वर्ष है गौरतलब है कि 2017 में आधार वर्ष को चार पांच से बदलकर ग्यारह बारह करवा दिया गया था और इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वह पेट्रोलियम को फिर इलेक्ट्रिसिटी को फिर स्टील प्रोडक्शन को फिर कोल को क्रूड ऑयल प्रोडक्शन नेचुरल गैस सीमेंट और फर्टिलाइजर लेकिन मैं बता दूं कि वेटेज बदलता रहता है इसका एनएसओ 2019 में बनाया गया पहले हमारे देश में सीएसओ और एन था अब वो एनएसओ बन गया है और यह पूरी तरह से अब एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एक अध्यक्ष चार मेंबर और एक पदेन सदस्य होता है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनएसओ के पदेन सदस्य भी होते हैं सचिव होता है भारत का मुख्य सांख्यिकी विद सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्रालय के सचिव को भारत का मुख्य सांख्यिकी विद कहा जाता है इस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी ही भारत का चीफ स्टेशन ऑफ इंडिया सीएसआई कहलाता है भारत में औद्योगिक उत्पादन एकल सूचकांक में आठ मूल उद्योगों के सूचकांक का संयुक्त भार कौन से आठ मूल उद्योगों में शामिल है तो याद करिए जरा ये उद्योग जो दिखाए गए थे पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी स्टील कोल क्रूड नेचुरल गैस सीमेंट और फर्टिलाइजर तो सीमेंट है उर्वरक है रिफाइनरी है वस्त्र उद्योग पांच तो बिल्कुल भी नहीं है तो वन तो रहेगा ही पांच रहेगा नहीं तो वन टू थ्री फोर मतलब प्राकृतिक गैस रिफाइनरी चारों के चारों आठ मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया यूपीएससी ने यह भी पूछा था तो आज तो पेट्रोलियम को दिया जाता है लेकिन दिए गए ऑप्शनों में पेट्रोलियम के बाद इलेक्ट्रिसिटी को दिया जा रहा है अगर आप देखेंगे तो उस समय सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को दिया जाता था लेकिन अब पेट्रोलियम और रिफाइनरी प्रोडक्शन को दिया जाता है तो उसके अनुसार आंसर हो सकता है 2015 में विद्युत दिया गया था और आज पेट्रोलियम ऑप्शन में होता तो पेट्रोलियम आ जाता कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात आंकड़े जारी हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के आंकड़े जारी किए गए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने के दौरान पिछले वर्ष के समान की अवधि में थर्टी परसेंट की वृद्धि के साथ छह बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रिया डेवलप हो रही है और लगभग छह बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है 2022-23 के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की टोकरी हेतु तेईस तो, दशमलव पांच बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य सोचा गया है मतलब अगले साल हम छह पर इतना चार गुना सोच रहे हैं इस अवधि के दौरान फल और सब्जियों के निर्यात में चार परसेंट की वृद्धि बासमती चावल के निर्यात में उनतीस दशमलव एक तीन प्रतिशत की वृद्धि देखी गई समीक्षा दिन अवधि के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात नौ दशमलव दो चार प्रतिशत से बढ़कर अब दो दशमलव जीरो एट बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो गया है डेयरी उत्पादन के निर्यात में इकसठ की वृद्धि के साथ दो मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है दो हजार इक्कीस बाईस में भारत के कृषि क्षेत्र की विकास दर पिछले के तीन दशमलव छत की तुलना में तीन दशमलव नौ प्रतिशत रहने का अनुमान है दो हजार इक्कीस बाईस के दौरान भारत ने कुल कृषि निर्यात में उनचास दशमलव छह अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया जिसमें वर्ष दो हजार से में इकतालीस बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में बीस की वृद्धि मतलब पिछली बार 41.3 की हमने एक तरीके से निर्यात किया था अब हमारा 49.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है मोटे तौर पर कहें तो अब भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है चावल भारत में सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है जो कि कुल कृषि निर्यात में 19% है मतलब सबसे ज्यादा चावल का निर्यात करते हैं हम लोग भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े आयातक अमेरिका बांग्लादेश चीन यूएई इंडोनेशिया वियतनाम सऊदी अरब ईरान नेपाल और मलेशिया है और सबसे बड़ा आयातक इसमें अमेरिका है हमारे कृषिगत उत्पादों का उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश अमेरिका चीन भारत के समुद्री उत्पादों को के प्रमुख आयातक हैं। विश्व में कौन सा देश पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है आंसर आएगा भारत कृतज्ञ तीन कृतज्ञ थ्री पॉइंट जीरो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन को प्रोत्साहन देने के लिए कृतज्ञ का आयोजन किया कृतज्ञ का अर्थ है कृषि क्रु, क्रु, त तकनीक ज्ञान आईसीएआर अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत फसल विज्ञान प्रभाग के सहयोग से इसे आयोजित कर रहा है इसका उद्देश्य है फसल सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा देना नया नजरिया लाना टेक्नोलॉजी को बेहतर करना इस प्रतियोगिता में देश भर के किसी भी विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान के छात्र उद्यमी आवेदन कर सकते हैं और समूह के रूप में कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना ने वर्ष दो में आई के कृषि इंजीनियरिंग प्रभाग के सहयोग से फार्म मशीनीकरण के प्रोत्साहन के लिए हेक्टॉन 1.0 का आयोजन एक्चुअल में ना ये कुछ और नहीं है इंजीनियरिंग में कितना हमने ऐसी मशीनें बना ली लिए जो एग्रीकल्चर को नया आयाम देगी तो इसका ये 3. संस्करण है 3.0 जिसमें हम देश के अलग-अलग हिस्सों से इनवाइट करते हैं कि कृषि के लिए आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो दुनिया के सामने ना हो तो उसे पेश करें नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट जनवरी 2019 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1100 करोड़ रुपए की साझेदारी है इसमें वर्ल्ड बैंक 50 परसेंट मदद करेगा प्रतिभाओं को आकर्षित करना और देश में उच्चतर कृषि शिक्षा को मजबूत करना है ककाडू 2022 ऑस्ट्रेलिया ने ककाडू 2022 अभ्यास की शुरुआत की भारत भी इस अभ्यास में भाग ले रहा है नौसेना अभ्यास प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित किया जाता है इसका आयोजन उन्नीस में किया गया था हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत ऑस्ट्रेलिया के सैन्य सहयोग को मजबूती मिलेगी इसका थीम है साझेदारी नेतृत्व और मित्रता पार्टनरशिप लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप मंथन हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्री मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में मंथन कार्यक्रम उद्घाटन किया गया इस दौरान नेक्स्ट जेन एम परिवहन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया नेक्स्ट जनरेशन का मोबाइल ट्रांसपोर्ट मंथन कार्यक्रम का मूल विषय अवधारणाओं से कार्य तक स्मार्ट टिकाऊ सड़क सुविधा गतिशीलता और रसद परितंत्र की ओर है सड़क परिवहन और रसद क्षेत्र संबंधित विषय और अवसरों पर चर्चा करना नीतिगत समर्थन और क्षमता विकास करना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों उद्योगों क्षेत्र के अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करना उत्तर भारत में धान की बुआई में कमी वैसे भी बारिश कंटिन्यू चली केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ के सीजन में फसलों की बुआई को लेकर आंकड़े जारी किए गए हैं खरीब नहीं वो खरीफ है आज टीम ने गलतियां कुछ ज्यादा ही की है मंत्रालय के अनुसार मानसून के अंतिम चरण में होने के बावजूद उत्तर भारत में धान की बुआई में कमी देखी जा रही है विगत वर्ष की तुलना में धान के रकबे में बाईस दशमलव नौ जीरो लाख हेक्टेयर की कमी आई है क्षेत्रफल 2021 की तुलना में पांच दशमलव छः परसेंट कम है बुआई क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी झारखंड में फिर एमपी वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार है इसके विपरीत तेलंगाना हरियाणा नागालैंड गुजरात जैसे राज्यों में धान के बुआई के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है यहां दालों के बुआई क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है एमपी यू यूपी असम के क्षेत्र में जबकि महाराष्ट्र तेलंगाना झारखंड कर्नाटक में दालों के क्षेत्र में कमी है अरहर उड़द की खेतों में विगत वर्ष की तुलना में कमी आई साथ ही तिलहन के कृषि बुआई क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है हालांकि गन्ने और कपास की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि की उम्मीद है कारण बता रही है मंत्रालय उच्च कृषि लागत उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि पानी की कमी ने धान की बुआई में कमी की है फिर फैक्ट है 2023 में शंघाई सहयोग संगठन का मेजबान देश अब भारत इसका अध्यक्ष बन चुका है कौन सा देश शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा मतलब कहां सम्मेलन होगा तो उज्बेकिस्तान में किस राज्य ने भारत की पहली सरकारी स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की तो तमिलनाडु ने नाश्ता भी शुरू किया है तटीय सफाई दिवस अभियान का नेतृत्व तो कौन सी संस्था करती है तो भारतीय तटरक्षक बल 2022 तक जीडीपी के अनुपात के रूप में भारत की लॉजिस्टिक लागत 13 से 14 परसेंट भारतीय जन औषधि परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है रसायन और उर्वरक मंत्रालय फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा देश है भारत शून्य अभियान जो हाल ही में खबरों में रहा का लक्ष्य ईवी का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करना यहां याद रखना की अब इसकी मेजबानी कर पाएगा ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमें फीफा से हटा दिया गया था तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे की बातचीत लाइक और शेयर करते चलिएगा आज का करंट अफेयर ज्यादा नहीं था क्योंकि ज्यादा बड़ी खबरें भी नहीं थी हाँ कुछ चीजें हैं जो छूट गई उसे नेक्स्ट वीक में हम कवर करेंगे सभी रिवीजन करते चलिएगा पढ़ते चलिएगा और एग्जाम रस पर जो चल रही है कक्षाएं उनका लाभ लेते चलिएगा सभी को बेस्ट ऑफ लक बाय